हेलो, यहाँ का MLA शरद कौशिक बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या नाम है तुम्हारा? सर सुशांत सिंह। तो सुशांत जी, एक बात समझ लीजिए, मैं हर बार आपको अपना परिचय नहीं दूंगा और ना ही आपसे बात करूंगा। जी सर। हमारा PA बात करेगा आपसे। जो काम रुका है वो साइन करके शाम को ऑफिस बंद होने से पहले हमारे यहाँ पहुंच जाए। विनम्रता से बता रहा हूँ, आशा है समझ में आ गया होगा। सर मैं उस फाइल पर साइन कैसे कर सकता हूँ? हजारों लाखों लोगों की जान मैं जोखिम में कैसे डाल सकता हूँ? क्या करूँ? अगर साइन नहीं करूँगा तो जॉब भी जा सकती है। देखो बेटा, किसका फोन है? सुमिरन गांव लिखा है आपका। लो। अरे चचा, हम भी सरकारी नौकरी में बंधे हैं, कहाँ से साइन करके आपके कागज आगे बढ़ा दें? अरे एक नोटरी तो कम है, बनवा लाइए, फिर हम साइन करके फाइल को आगे बढ़ा देंगे। जी बनवा लीजिए नोटरी। लेखपाल की नौकरी में सैलरी भले कम हो लेकिन भौकाल है मतलब भर का। आपके बिना एक साइन के फाइल आगे नहीं बढ़ती है। हाँ बेटा, लेकिन जॉब की अपनी कुछ बंदिशें भी होती हैं। पापा इसीलिए तो मुझे सबसे बड़ी जॉब चाहिए। आपको तो पता है ना पापा, मेरा बचपन से ही शौक है वर्दी पहनने का। डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर बैठूंगा, वहाँ किसी का कोई प्रेशर नहीं होगा। लोग मुझसे साइन करवाने आएंगे, मेरी एक साइन से फाइल आगे बढ़ेगी। प्रीति। हाँ आई। यार आज मैं बहुत खुश हूँ, मतलब तुम वो खुशी मेरी आंखों में देख सकती हो जब कोई बचपन का सपना पूरा होता है। और ये सब तक ये खुशी किसी अपने खास के साथ ना बांट लो, मज़ा नहीं आता है। अच्छा कैसी लग रही हूँ मैं इस कैंप में? मतलब ऐसा कि अगर डिपार्टमेंट में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए ना तो तुम किसी को काम ही ना करने दो। अच्छा ठीक है, अब तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय पी लो, मैं टिफिन पैक करती हूँ। प्रीति बाहर आओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बाबा आपका टिफिन रह गया। अरे मैं बाहर ही हूँ अभी। यार ऑफिस का पहला दिन है, कुछ तो बोल के भेजो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था। मानवीय स्वभाव, जैसे हर इंसान अपने मुकाम पर पहुंचकर
अपने बीते हुए कल को याद करता है, वही आज मैं भी अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद कर रहा था। अनुसूचित जाति संविधान में अनुच्छेद अंतिम संपन्न हुई 50 के संविधान ने सभा की बैठक की थी। प्रीति यार यहाँ बैठो, मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, प्लीज जाओ यार अभी यहाँ से। वो पापा कह रहे थे कि कहीं घूमने जाने के लिए टिकट करा दें। तुम्हारा क्या मानना है? एग्जाम हो जाए उसके बाद कहीं देखा जाएगा। एग्जाम ही कह दो पापा से। पापा वो अभी टिकट मत करवाइएगा, कह रहे थे कि सिलेक्शन के बाद ही जाएंगे घूमने। उसकी तो बचपन से आदत है, जब तक एक काम पूरा नहीं कर लेता तब तक कोई दूसरा काम नहीं करता। उस समय वक्त नहीं था प्रीति को कहीं बाहर ले जाने के लिए। आज जॉब का पहला दिन है तो ना ही वक्त है उसके लिए और ना ही पैसे कि मैं इस खुशी के अवसर में उसके साथ कुछ वक्त बिता सकूं। प्रीति तुम्हारी फेवरेट लीची, हाउ स्वीट। अच्छा सुनो प्रीति, कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना, मुझे ऑफिस में अर्जेंट काम है। ठीक है। और मेरी यूनिफॉर्म रेडी कर दी थी? यस सर। बदमाश कहीं की। प्रीति मेरे शूज। प्रीति चलिए बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। कैसा गया आज का दिन? अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो ऑफिस में आज फूफा जी की फाइल आई थी, वो अफीम की खेती शुरू करना चाह रहे हैं। अच्छा वही फूफा जी जो एक बार शादी में मिले थे और तुम्हारे पास जॉब ना होने की वजह से बेइज्जती कर रहे थे। हमसे अक्सर कहा करते थे कि अफीम का काम शुरू करने जा रहे हैं, आओ इसी में हाथ बटाओ। मैंने भी सोचा वक्त वक्त की बात होती है, वो तो मेरे किसी काम नहीं आए, आज मैं उनके काम आ रहा हूँ।
प्रीति थोड़ा जल्दी करो यार, तुम्हारे लंच के चक्कर में मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ। पहले आपको 9 बजे जाना रहता था, अब आपको 8 ही बजे निकल जाना है। प्रीति इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, ये कोई घर का काम नहीं है कि जब मन करेगा तब कर लेंगे। हाँ घर का काम कहाँ कोई काम होता है, मुझे तो चस्का है जो मैं सुबह सुबह उठ के ये सब कर रही हूँ। यार मैं निकल रहा हूँ, लंच बाहर कर लूँगा। हेलो सुशांत सर, वो कमलादीन ताऊ का 2 फाइल आया था, उसको जरा देख लीजिए, साइन करके भेज दीजिएगा, ताऊ का बार बार फोन आ रहा है। जितेंद्र हम यहाँ ऑफिस बैठ के झक नहीं मार रहे हैं, फाइल ही देख रहे हैं, और मेरे काम करने के तरीके और दूसरों के काम करने के तरीके से थोड़े अलग हैं। मैं तब तक फाइल पर साइन नहीं करता हूँ जब तक उसे खुद ना पढ़ लूँ। सॉरी सर, वो ताऊ ना बहुत खतरनाक आदमी है, अगर रात तक उसको फाइल में साइन नहीं मिला ना तो वो घर तक भी पहुंच सकता है। देखो अगर दोबारा उसका फ़ोन आए तो उसको बोल देना कि अफीम का काम अगर वो अवैध तरीके से करेगा तो ना फाइल पे साइन होगी और ना ही विभाग से पास होगी। ये लीजिए आपका टिफिन। जरूर ऑफिस में किसी लड़की के साथ अफेयर होगा, तभी लंच लेकर नहीं जाते, वरना पहले लेकर नहीं जाते थे। वही लेकर आती होगी तो साथ में बैठ के खाते होंगे। जरूर उसी लोमड़ी के साथ बैठे होंगे, तभी मेरा फोन इग्नोर कर रहे हैं। कभी फाइल पर अपनी साइन बनाने का मन करता था, आज मन उब रहा है। किसी ने सच ही कहा है, ऊपर वाले से कुछ भी मांगा खाली नहीं जाता, बस वक्त लगता है। ऊपर वाला जब दया दिखाता है तो मन भर जाने तक देता है। अरे पापा, अच्छा सटरडे है। बेटा प्रीति, एक गिलास पानी ले आना। पापा ठंडा पानी ले आए कि नॉर्मल? ठंडा मिला के लाना, बड़ा गमस थी आज बाहर। अब इस उम्र में खेत नापने जाना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पापा ऑफिस में बात करके देखिए, ऑफिस वर्क मिल जाए तो बेहतर है, फील्ड पर नहीं जाना पड़ेगा आपको। अब बेटा ये नौकरी ही ऐसी है, फील्ड पे भी जाना पड़ेगा, ऑफिस का काम भी करना पड़ेगा। सुशांत दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो? वो ऑफिस से आते ही होंगे पापा, काफी दिन हो गए उसके साथ भी बैठे हुए। आज सोचता हूँ सब लोग साथ में बैठ के चाय पीते हैं। ठीक है पापा, हम चाय बना रहे हैं, आप पानी पी लीजिए, फिर फ्रेश हो जाइए, तब तक सुशांत भी आ जाएंगे। सुनिए आज थोड़ा जल्दी आइएगा,
आज क्या है? आप भूल गए, आज अपनी एनिवर्सरी है तो रात में कहीं बाहर चला जाएगा डिनर करने। प्रीति यार, आप कहो तो जॉब छोड़ दूं, यही सब कर लिया जाए। जितेंद्र, ये फाइल मेरे कैबिन से ले जाके कमिश्नर साहब को पहुंचा देना। सर, वो कमलादीन ताऊ की फाइल पर साइन हो गया। मैंने तुमसे बोला था ना, मेरी साइन इतनी सस्ती नहीं है कि किसी भी इलीगल प्रोजेक्ट पे मैं उसको साइन करके पास कर दूं। खाना खा लीजिए फिर कीजिएगा। हाँ रख दो, दो तीन फाइलें बची हैं, निपटा के फिर खाते हैं। अरे जाओ सो जाके, मैं खा लूंगा ना खाना। इससे बेहतर तो पहले की जिंदगी थी, तो पैसा भले ही ट्यूशन का आता था लेकिन सुकून था। सच कहूँ तो तुम्हारी ये जॉब मेरे लिए अभिशाप बन गई है, न ढंग से खाना न पानी, इससे अच्छा तो मैं अपने घर ही चली जाऊं। प्रीति जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता है, चाहे तो आप हमारा वक्त ले लीजिए, चाहे सुकून, और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है प्रीति। जब किसी को पसंद की हुई चीज़ मिल जाती है ना, तो उसकी वैल्यू अपने आप ही कम होने लगती है। ऑफिस से आना तो शाभी शर्मा जी के यहाँ से ले लेना। घर पर ही मिलना, वरना वापस नहीं आ पाऊंगी। ये सब क्या है? ये सब कल ऑफिस में सबमिट करना है प्रीति, मैंने रिजाइन कर दिया। क्या? हाँ प्रीति,
तुम सही कह रही थी, जब लाइफ में सुकून ही नहीं तो ऐसी जॉब का क्या करना है। अगर मैं रिजाइन ना करता तो कल पावर में बैठने वाले लोग ही मुझे सस्पेंड करके डिपार्टमेंट से अलग कर देते। यार मैं किसी भी इलीगल प्रोजेक्ट पे साइन करके उनको आगे नहीं पास कर सकता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। देश में अवैध तरीके से हो रही ड्रग्स और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना ही तो हमारा काम है, दोषियों को सजा दिलाना हमारा काम है। मैं दोषियों के साथ कैसे दे सकता हूँ? तो अब इधर बैठो प्रीति। प्रीति क्या होता है ना, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि नौकरी मिलने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा, हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ग्लास के अंदर की दुनिया होती है ना, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। हम अपने जीवन में एक कोटेशन लेके चलते हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, सब कुछ ठीक है, यही चेंज लाना है। हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक है, हमेशा सब कुछ ठीक नहीं रहता है, इसीलिए तो इसको जिंदगी कहा गया है। आजकल के तैयारी करने वाले बच्चों को समझना होगा, नौकरी संसाधन दे सकती है, समाधान नहीं। कुछ लोग होते हैं जो नौकरी में ढल जाते हैं, कुछ लोग नहीं ढल पाते। फिर कुछ साल बाद नौकरी करने वाले कलीग उन्हीं लोगों का उदाहरण देते हैं अपने बच्चों को, उनको मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जो कुछ नहीं करते ना, कमाल करते हैं। बेटा तुमने आज गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है मेरा। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पापा। मैं तेरे जीवन के हर निर्णय में तेरे साथ हूं। अगर आपका सपना जीवित है तो वक्त ढलते पूरा होता है, क्योंकि जब वक्त बदलता है तब परिवर्तन भी होता है, तब परिवर्तन भी होता है।